रोजाना ज्ञान वर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके राशि से रिलेटेड जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 25 अप्रैल 2021 रविवार के आपके राशि फल के बारे में। सबसे पहले जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दुगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहें। दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे आपकी खुशियों के साथ साथ ऐसी कौन कौन सी परेशानियां और कष्टों को लेकर आने वाली है जिससे आपको सावधान रहना है, और साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे आज आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीजों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी हम पूरे विस्तार से जानेंगे। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। जिन्हें वीडियो के अंत में काफी अच्छे विचार दिए गए आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज 25 अप्रैल 2021 दिन रविवार का है। तिथि की बात करें तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि बन रही है, जो कि यह ठीक शाम के 4:13 तक चलेगा और इसके उपरांत शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी नामक तिथि प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो हस्त नामक नक्षत्र बन रही है, जो कि यह ठीक सुबह के 4:23 से लेकर ठीक अगले दिन के रात्रि के 1:54 तक चलेगा और इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो व्याघात नामक योग बन रही है, जो कि यह ठीक सुबह के 8:14 तक चलेगा और इसके उपरांत हर्षण नामक योग और इसके उपरांत वज्र नामक योग प्रारंभ हो जाएगा। चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्य उदय का जो समय है सुबह के 6:01 पर और सूर्यास्त का जो समय है शाम के 6:47 पर, और चंद्र उदय का समय शाम के 5:04 पर, और चंद्रास्त का जो समय है वो रहने वाला है सुबह के 5:21 पर। सूर्य राशि रहेगा मेष राशि पर और चंद्रमा कन्या राशि पर गोचर करेगा, अर्थात आज का शुभ समय सुबह के 11:59 से लेकर ठीक दोपहर 12:50 तक चलेगा। आज का अशुभ समय यानी राहु काल की बात करें तो यह शाम के 5:12 से लेकर ठीक शाम के 6:48 तक चलेगा। याद रखिएगा दोस्तों, राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आप बिल्कुल भी ना करें वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आ सकती है। ज्ञानी चाणक्य जी कहते हैं, अगर झुकने से रिश्ता गहरा होता तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। हर बात अगर दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। कॉन्फिडेंस यह नहीं है कि लोग आपको पसंद ही करेंगे, कॉन्फिडेंस तो यह है कि अगर आपको ना भी पसंद करे तो भी आप ठीक हो। ज्ञानी चाणक्य जी कहते हैं कि जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते होते हैं। नंबर 1, सदा दिमाग को ठंडा रखिए। नंबर 2, सदा वक्त की कदर कीजिए। नंबर 3, भविष्य के लिए बचत कीजिए। नंबर 4, पांव सदा जमीन पर रखिए। इंसान असफल तब नहीं होता है जब वह हार जाता है, असफल तो तब होता है जब वो ये सोच ले कि हम अब जीत नहीं सकते। और क्या कहते हैं आज आपके सितारे हम पूरी विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। आपसे अनुरोध है आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। रोमांस में आई कुछ समस्या अभी आपको अकेला और तनहा महसूस कराने का कारण बन सकती है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अगर जरूरी हो तो अपनी सेहत और व्यावसायिक जीवन को प्राथमिकता देने के लिए ब्रेक लें। आपके प्रयासों और प्रतिभा को पहचान मिल रही है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। रैंक में विकास और प्रतिष्ठा का पूरा मजा उठाएं। आपको हम बताना चाहेंगे अगर आप पार्टनर खोज रहे हैं तो आपकी तलाश आज खत्म हो जाएगी। प्यार और रोमांस और अन्य भावनाओं पर नियंत्रण रखें, आपको इस दौरान आज खुशी और दिलचस्पी चरम सीमा पर है, किंतु सोच समझ कर ही कुछ खर्च करें। मनुष्य के द्वारा की गई सबसे बड़ी गलती ही भविष्य में अच्छे निर्णय लेने की सहायता करती है। मिथुन राशि जातकों के लिए अगर करियर और धन की बात की जाए तो आज का दिन आपके पैसे और धन लाभ दोनों ही आपके लिए अच्छा है। आपको इस दौरान प्रतिबंधकीय क्षमता की प्रसिद्ध के कारण आपको नए ऑफर मिलेंगी, आपको इस बात का ध्यान रखना है। अपने कार्य और कौशल का मूल्यांकन करने के बाद आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकती हैं। हम आपको बताना चाहेंगे
आप याद रखें, अपने सपनों का अनुसरण करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। हम आपको बताना चाहेंगे, आपके जीवन का यह समय प्यार और रोमांच से भरपूर है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप सांसारिक सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो जीवन साथी की तलाश करें। कम से कम आज अपनी कमियों को दिमाग से बाहर निकाल दें। आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस अद्भुत दिन का आनंद लें और अपने दिल या दिमाग को उन संभावनाओं के लिए खुला रखें जो अब आपके सामने है। मिथुन राशि जातकों के लिए अगर लव लाइफ की बात की जाए तो रोमांस में आई समस्या आपके रिश्तों में कमियों को दूर कर सकती है। गलत फहमियां होना बहुत ही सामान्य है, बस उन्हें जल्द ही दूर कर लें। आप जानते हैं कि आपके महबूब को आपकी फिक्र और वो हर तरह से आपकी मदद करना चाहता है। दोस्त या भाई बहन की कंपनी को राहत पहुंचेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है, प्रेम का इंद्रधनुष आज आप पर मुस्कुरा रहा है और आप सांसारिक सुख का अनुभव करने के लिए उत्सुक हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप जीवन साथी खोज रहे हैं तो आपकी खोज अब खत्म होती है। आपका रोमांस, उत्तेजकता और परमानंद आपके रिश्तों को अर्थ तक पहुंचा देगा। आपने खास मित्र पति पत्नी की ओर आकर्षित महसूस करेंगे, अनुभव प्रदान करेगा। आपको हम बताना चाहेंगे, एक गुलाब का फूल और मुस्कान आपको कुछ यादगार लम्हे प्रदान करेगा। दोस्तों, अगर आप इस जानकारियां से सहमत हैं तो आप वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दें और साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी जरूर लिख दें। धन्यवाद।